दिल्ली के राजोकरी क्रिकेट ग्राउंड में चल रहे ऑल इंडिया राजेंद्र गोयल क्रिकेट टूर्नामेंट में बाल भवन स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। बाल भवन स्कूल ने आज आयोजित हुए मुकाबले में एमपीएस एकेडमी को 64 रनों से शिकस्त दी। टॉस जीतकर बाल भवन स्कूल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 39.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 250 रन बनाए। टीम की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज और कप्तान आयुष मल्होत्रा ने 98 रनों की बेमिसाल पारी खेली। 251 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमपीएस एकेडमी की टीम 34.5 ओवर में 186 रन पर ही सिमट गई। एमपीएस एकेडमी को इतने सस्ते में समेटने का श्रेय जाता है सौमिल को। सौमिल ने 6.5 ओवर में 42 रन देकर 6 विकेट हासिल किए और टीम की जीत पक्की की। टीम की जीत में अहम योगदान देने वाले सौमिल को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से भी नवाजा गया। उनको ये पुरस्कार दिल्ली रणजी टीम के पूर्व खिलाड़ी अनिल जैन ने दिया।